आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अच्छा, नाम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या है। ये कोई गैजेट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। सिंस वी आर डीलिंग विद लैंग्वेज, तो हर चीज़ हमारे पास क्या होती है, जस्ट वर्ड्स। अब ये जो डिवाइसेस भी बेसिकली ये कंजंक्शंस ही होती है हमारे पास, ठीक है, जिनको आप पुरानी ग्रामर में अपने पास कंजंक्शंस पढ़ा करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम ये यही होती हैं। जस्ट इनका नाम आपके पास एक नया है और इनका फंक्शन की बेसिस पे अब हम देखेंगे कि किस तरह से करती हैं, ठीक है। क्या एक सेंटेंस के अंदर काम ये परफॉर्म कर रही होती है। ट्रांजिशनल वर्ड निकला है ट्रांजिशन से, और ट्रांजिशन क्या होता है, टू चेंज किसी चीज, मीन्स के एक सेंटेंस का पार्ट होता है जब वो दूसरे पार्ट के साथ वो लिंक कर रहे हैं आपस में, तो क्या चेंज हो रहा है, क्या मीनिंग में एडिशन हो रही है, क्या मीनिंग में कंट्रास्ट आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है, क्या आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन हो रही है या एग्जांपल्स आ रही हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो डिवाइसेस या जो वर्ड्स परफॉर्म करते हैं हम उन्हें क्या नाम देते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब अगर इसकी प्रॉपर आप लोग डेफिनेशन के ऊपर आ जाओ या एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो फिर यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर लाइक ब्रिजेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ योर पेपर। आप जो कुछ भी लिखते हो, एक पैराग्राफ, एक एसे या एक पेपर लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल या कुछ भी, वहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं, वो ब्रिज का काम करती हैं। और ब्रिज का काम क्या होता है, टू रिमूव गैप, लिंक करना, ज्वाइन करना सेंटेंस के पार्ट्स को भी, पैराग्राफ्स को भी, और इस तरह से पूरे आपके एक टेक्स्ट को। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, दे आर क्यूज दैट हेल्प द रीडर टू इंटरप्रेट आइडियाज, पेपर डेवलप्स। अच्छा, क्यूज क्या होते हैं बच्चों, हिंट्स। इसी तरह से क्या होते हैं कि राइटर तो अपना काम करता है ना, लिंक कर रहा होता है अपने आइडियाज़ को, फिर रीडर के लिए आसानी क्या होती है कि उसके लिए हिंट्स उसको मिल जाती हैं कि आपके पेपर में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, और वो उसको ईजिली इंटरप्रेट कर लेता है कि अब आगे फर्दर वो रेडी हो जाता है ना। जैसे अगर आपको पता है एंड आ रहा है, एंड का मतलब क्या है कि सेम बात आगे होने जा रही है, और बट अगर आ रहा है या हाउएवर अगर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेडी हो जाता है आपका रीडर कि आगे अब इसके बाद जो चीज़ आनी है वो ऑपोजिट आइडिया है, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर। अच्छा बच्चों, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिसको समटाइम्स हम क्या नाम भी देते हैं, कोहेसिव डिवाइसेस, ठीक है, ये क्या करती हैं, वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं जो कि एक आइडिया को दूसरे से लिंक करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे से लिंक करते हैं, या एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करते हैं, और यूँ आपका टेक्स्ट स्मूथली फ्लो कर रहा होता है और एक कोहेरेंट टेक्स्ट बनता है, ठीक है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर स्मूथली सो दैट देर आर नो एब्रप्ट जंप्स और ब्रेक्स बिटवीन आइडियाज। और इसके साथ क्या होता है कि फिर आपके जो बातें आपने की हुई हैं, जो आइडियाज वहाँ पे बींग अ राइटर, उनके दरमियान में ये नहीं होता कि बस जंबल्ड अप कर दिया एक आइडिया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ये क्या करती हैं बच्चों, ये वाले वर्ड्स आपको लिंक कर देते हैं आपके सारे सेंटेंसेस को और आपके सारे पैराग्राफ को विद इन अ टेक्स्ट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के टाइप्स पे। अच्छा, ये जो टाइप्स इसकी रखी गई हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस की, बेसिकली वो क्या है, जो जो ये फंक्शंस परफॉर्म करते होते हैं, ठीक है। जैसे अगर फंक्शन है एडिशन का, मींस के मीनिंग में कुछ मजीद ऐड अप किया जा रहा है, तो वो जो परफॉर्म करेंगे वर्ड्स, उनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ एडिशन। अब इसमें वर्ड्स कौन से आ सकते हैं, मैंने काफ़ी लंबी लिस्ट आप लोगों के लिए पाइल अप की थी बैठ के, ठीक है, लेकिन ये बात याद रखो इसके अलावा भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, एडिशनली, इन एडिशन, फर्दर मोर, ऑल्सो, टू, एज वेल एज दैट, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, मोर ओवर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन एडिशन टू दिस, फर्दर, फाइनली, लास्ट, ठीक है। ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये एड अप कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस के मीनिंग में। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपको ओवरलैपिंग लगेंगे, मतलब एक से ज़्यादा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है और वहाँ पे देखना है कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्या होता है, एडिशन, और उसके लिए नॉर्मली ये वाले वर्ड्स आते हैं। टेक योर टाइम, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और इनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कंपैरिजन। नेक्स्ट फंक्शन जो कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे सामने परफॉर्म करती हैं वो क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन में दो चीज़ें आती हैं, सिमिलैरिटी और कंट्रास्ट। सिमिलैरिटी मींस कि आप कुछ चीज़ों को आपस में मिला रहे हो कि वो एक जैसी हैं, और कंट्रास्ट क्या होते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट उनको बता रहे होते हो, ठीक है। तो कंपैरिजन में दोनों चीज़ें आती हैं, दोनों फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसमें जो वर्ड्स बच्चों आपके पास आते हैं नॉर्मली, वो कौन से हैं, सिमिलरली, इक्वली, सिमिलर टू, सेम एज, कंपेयर और कंपेयर टू और विद, कॉरेस्पॉन्डिंगली, एज विद,
इक्वल, जस्ट एज, और उसके बाद आगे जाके कॉन्टिन्यू होगा सो टू, लाइकवाइज, जस्ट लाइक, बोथ, ठीक है, ये सारे वर्ड्स. और आप लोगों ने करना क्या है कि वीडियो को पॉज करके और यू कैन कम बैक अगेन एंड अगेन इन वर्ड्स को देखना है ताकि आप लोगों को ज़रा एक फेमिलियरिटी बन जाए. ठीक है, तो कंपैरिजन का मतलब क्या समझ में आया आपको? सिमिलैरिटी प्लस कंट्रास्ट, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, दैट इज सिक्वेंसिंग और ऑर्डरिंग. ट्रांजिशनल डिवाइसेस का नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों? ऑर्डरिंग और सिक्वेंसिंग. ऑर्डरिंग मीन्स टू ऑर्डर, अरेंज करना, ठीक है, या टाइमिंग्स बताना किसी भी चीज़ के. इसमें जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं वो कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट, फर्स्टली, सेकेंड, सेकेंडली, थर्ड, थर्डली, लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अबाउट, नेक्स्ट, लेटर, सिंस, फाइनली, एट दिस टाइम, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, आप लोग अगेन अपना पॉज करके इन सारे वर्ड्स को रीड आउट कर सकते हो. ठीक है, और ये जो वर्ड्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं कौन से होते हैं? टू ऑर्डर योर डेटा, ठीक है, और टेक्स्ट, टू सीक्वेंस योर टेक्स्ट, और टू प्रोवाइड टाइमिंग फॉर योर टेक्स्ट कि पहली चीज़ कब है, दूसरी कब है, थर्ड वाली कब है और लास्ट कब है. इससे अगला फंक्शन होता है रिजल्ट. रिजल्ट का एक और नाम भी होता है आपके पास कंक्लूजन. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स नॉर्मली हमारे पास आते हैं दैट आर, दोज वर्ड्स आर एज अ रिजल्ट, दस, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस, फॉर दिस रीजन, ड्यू टू, एज अ कॉन्सिक्वेंस, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली. अब ये सारे वर्ड्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं बच्चों आपके पास? जब आपने किसी चीज़ का रिजल्ट बताना हो, जब आपने किसी चीज़ का कंक्लूजन बताना हो, तो आप इन वर्ड्स को यूटिलाइज कर सकते हो. अच्छा देखो, हमारे पास इतनी वैरायटी क्यों है, एक ये वाला क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकता है चलते चलते बताती चलूँ, कि वो इस वजह से है कि जब आप लैंग्वेज कर रहे होते हो डील, तो एक ही जैसी बात बार बार नहीं कर सकते हो. आपको नई वोकैबुलरी चाहिए होते हैं, आपको नए वर्ड्स चाहिए होते हैं लिखने के लिए, ठीक है, ताकि आपका टेक्स्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो. वरना तो आप एक ही जैसे वर्ड्स पढ़ पढ़ के तंग आ जाओगे ना एक पूरी बुक के अंदर. ठीक है, उससे अगली जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस और ट्रांजिशनल वर्ड्स, वो कौन सा फंक्शन है? कंडीशन. कंडीशन क्या होता है? कि अगर एक चीज़ हुई तो दूसरी होगी, ठीक है, अगर एक नहीं हुई तो दूसरी नहीं होगी. तो इसमें जो वर्ड्स आपके पास आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ग्रांटेड दैट, इफ, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, बिकॉज ऑफ, इन दैट केस, देन, अनलेस, एज, सिंस, और बाकी आप लोग पढ़ लो इसमें. ओके, नेक्स्ट फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय द ट्रांजिशनल वर्ड्स इज जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन क्या होता है बच्चों? कि आप एक रूल, एक चीज़ को अप्लाई कर देते हो बाकी सारे जनरल कैटेगरीज जो उससे रिलेटेड होती है उनके लिए. ठीक है, तो इसमें जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं वो कौन से होते हैं? एज अ रूल, रेगुलरली, कॉमनली, यूजुअली, फॉर द मोस्ट पार्ट, नॉर्मली, इन जनरल और जनरली, ऑन द होल, ओवरऑल, टिपिकली, इन मोस्ट केसेस, ऑफन, ऑन द होल, ब्रॉडली स्पीकिंग, और बाकी आप लोग रीड आउट कर लो. ठीक है, तो ये नेक्स्ट फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है हमारा ट्रांजिशनल वर्ड्स का, दैट इज जनरलाइजेशन, और ये वर्ड लिस्ट आपके सामने पड़ी हुई है. उसके बाद एक और चीज़ होती है रीस्टेटमेंट. रीस्टेटमेंट क्या होता है? कि एक स्टेटमेंट आपने दी, एक बात की, अब उसी को फर्दर आगे रिपीट करो और दोबारा से उसको या एक्सप्लेन करो मजीद उसको इन्हांस करने के लिए. ठीक है, तो इसमें जो वर्ड्स हमारे पास आते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? इन अदर वर्ड्स, अदरवाइज स्टेटेड, दैट इज टू से, अल्टरनेटिवली और अल्टरनेटिवली स्टेटेड, पुट डिफरेंटली, टू पुट इट डिफरेंटली, इन अ नटशेल, पुट इट इन अनदर वे. ठीक है, सिंपली बात वही है आपकी, लेकिन आप उसको रीस्टेट कर रहे हो, तो मीन्स दोबारा से बता रहे होते हो, और इसका मतलब क्या होता है? रीइंफोर्स करना बार बार बोलने से. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास फंक्शन जो परफॉर्म किया जाता है ट्रांजिशनल वर्ड से, वो क्या है? रीज़न. रीज़न क्या होता है? आप जहाँ पे स्टेट करते हो कोई वजह, कोई रीज़न, बिकॉज ऑफ, विद दिस इन माइंड, इन फैक्ट, इन ऑर्डर टू, प्रोवाइडेड दैट, ग्रांटेड दैट, गिवन दैट, इन व्यू ऑफ, विद दिस इंटेंशन, विद दिस पर्पस, ये सारे वर्ड्स, ये सारी फ्रेजेस, ये क्या करी हैं बच्चों? रीज़न के बताने के काम आती हैं. ठीक है, इसके बाद है इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन क्या होती है? एग्जाम्पल. तो जो आप एग्जाम्पल के लिए वर्ड्स यूज करते हो वो कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, प्रूफ ऑफ दिस, लाइक, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू क्लैरिफाई, इलस्ट्रेटेड बाय, फॉर वन थिंग,
as an example of, in that case, in the case of, to demonstrate, to clarify, including, namely, ये सारे वर्ड्स और पूरी लिस्ट ये किसके काम आती है, टू इलस्ट्रेट समथिंग, ठीक है, और टू गिव एन एग्जाम्पल जी. अब बच्चों, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज लगाई है, ठीक है. कुछ आपके पास 10 सेंटेंसेस ऑलमोस्ट, और आप लोगों ने करना क्या है, फिल इन द स्पेसेस विद द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड. द ऑप्शंस आर हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर एंड फॉर एग्जांपल. हमने सारे फंक्शंस देख लिए और एक वर्ड लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, सो दैट आपके पास कुछ वर्ड्स हों यूज़ करने के लिए बींग राइटर्स. अब आपके पास ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट चार वर्ड्स हमने लिए हैं, हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर एंड फॉर एग्जांपल. टेक योर टाइम, इन सेंटेंसेस को पढ़ो, ठीक है, एंड ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स, और इन्हीं वर्ड्स में से आपने चूज करके करना है. हाउएवर कहाँ पे आता है बच्चों, जहाँ पे कंट्रास्ट की बात होती है. देयरफॉर मींस जहाँ पे आप एक चीज़ को लिंक करो दूसरी के साथ कि ये हुआ, इसके रिजल्ट में अब ये होगा, ठीक है. फर्दरमोर किस लिए आते हैं, एडिशन और एम्फेसिस के लिए, और फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल कोट कर रहे हो. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप फॉर अ वाइल. आप लोगों ने क्या करना है, एक मिनट में दे रही हूँ, ठीक है, इसमें इसी लेक्चर में मैं स्टॉप कर रही हूँ एक मिनट के लिए, बट यू कैन टेक योर टाइम. आप पॉज कर दो, ठीक है, बेशक वीडियो, और इन सेंटेंसेस को पहले खुद सॉल्व करो, इसके बाद मैंने इनके आंसर भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है. अब आप देखो, टेक योर टाइम. ओके बच्चों, सो मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है. आप लोग बेशक इसको पॉज किए रखो, और जब तक आपके 10 के 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, ठीक है. आई एम मूविंग टूवर्ड्स द आंसर्स. जी, तो ये आपके पास आंसर्स हैं. कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो, द करंट इकोनॉमिकल सिचुएशन हैज़ फोर्स मेनी पीपल टू चेंज देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी. हाउएवर, आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हैज़ नॉट चेंज इन द पास्ट 5 ईयर्स. मीन्स बाकी ये जो करंट हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, बहुत से लोगों को इसकी वजह से वो फोर्स हुए हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करें, ठीक है. लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पिछले 5 साल से चेंज नहीं हुई है. तो यहाँ पे लेकिन के लिए द वर्ड इज़ हाउएवर. अब आपको पता चल रहा है बच्चों, जब भी कंट्रास्ट होगा, ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखो नंबर वन में, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ऑपोजिट. तो जब आपके पास ऑपोजिट और कंट्रास्टिंग मीनिंग है, वहाँ पे आपके पास वर्ड कौन सा आ रहा है, हाउएवर, ठीक है. नंबर टू को देखो, देर आर सेवरल कोर्स ऑप्शंस इन दिस प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री आर ऑल एक्सेलेंट चॉइसेस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने कहा डिफरेंट ऑप्शंस है, और उन डिफरेंट ऑप्शंस को उन्होंने बताया होगा ना, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है. तो यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अच्छा, ये दो तरह से बच्चों ये काम आपके पास होगा. एज अ राइटर जब आप लिख रहे हो, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि दोनों का कंट्रास्ट आ रहा है, तो आपने हाउएवर लगाना है या बट लगाना है या उससे रिलेटेड वर्ड्स. अगर सॉरी, अगर आप कहीं पर एग्जाम्पल्स दे रहे हो, तो फिर आप वहाँ पे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, सच एज, इस तरह के वर्ड्स लगाते हो, ठीक है. और वेराइटी आपके पास है पीछे लेक्चर में. और बींग रीडर आपने क्या करना है कि अगर आपको ये वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, जैसे हाउएवर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं या दो पैराग्राफ जो भी आएंगे, वो एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे होंगे. जहाँ पे फॉर एग्जांपल लगेगा, उसका मतलब है कि वो एक दूसरे के जैसे होंगे, ठीक है. तो बींग रीडर आपको समझ में आते हैं ज़्यादा टेक्स्ट, और बींग राइटर आपको पता चलता है कि आपने क्या करना है. क्लियर?
नंबर थ्री पे आ जाओ. नहीं, आई एम स्किपिंग नंबर थ्री क्योंकि वो सेम है, आप पढ़ सकते हो. मूविंग टूवर्ड्स नंबर फोर, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल द मिड टर्म एग्जाम, देयरफॉर मोस्ट विल नीड टू स्टडी हार्डर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द कोर्स. क्योंकि उन्होंने मिड टर्म में फेल हुए ज़्यादातर बच्चे, इसलिए देयरफॉर का मतलब क्या, इसलिए रिजल्ट वाली बात है ना, ठीक है. तो वो अब क्या करेंगे, उन्हें आगे पढ़ना पड़ेगा सेकेंड हाफ में ज़्यादा, ठीक है. नंबर फाइव, प्लीज लीव जैकेट्स एंड बैग्स एट द कोर्ट चेक डैश सेल फोन्स मस्ट बी टर्न ऑफ इन साइड द लाइब्रेरी. यहाँ पे हमने क्या लगाया, फर्दर मोर. फर्दर मोर मीन्स के एडिशन कर रहे हो, एक ही आपके लाइब्रेरी में एंट्री होने लगी हो, ठीक है. तो इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन हैं कि आप लोगों ने जैकेट्स, आप लोगों ने बैग्स और जो है वो उसके कोर्ट चेक के ऊपर रखने वहाँ पर, ठीक है, और जो एंट्रेंस है वहाँ पे, ठीक है, और सेल फोन्स को अपने लाइब्रेरी के अंदर बंद कर देना. तो ये दोनों एक दूसरे को ऐड अप कर रहे हैं कि मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, फर्दर मोर. बाकी सेंटेंसेस को आप देख सकते हो, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर. यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ, आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. अनलेस अनटिल आपको ये सही तरह से समझ में नहीं आ जाता, गो बैक टू द लेक्चर, रेफर बैक टू द स्लाइड्स. जो जो आपको नहीं समझ में आया, आपको क्या क्या पता होने चाहिए बच्चों, एक तो ये कि फंक्शंस क्या हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के, ठीक है, और दूसरा ये कि आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हो. वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि कंट्रास्ट के लिए कौन से हैं, एडिशन के लिए कौन से हैं, एम्फेसिस के लिए, रिजल्ट के लिए, कंक्लूजन के लिए, इन सब के लिए कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं. पेपर में आपको ये क्वेश्चन नो डाउट एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी जगह पे लिखना है. कॉम्पोजिशन राइटिंग है आपके पास, ऐसे राइटिंग है जिसमें रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, प्रेसी राइटिंग है, समरी लिखनी होती है, ये सारे काम आपको लिखने के लिए करने होते हैं. तो बीइंग राइटर्स यू नीड अ वैरायटी ऑफ वर्ड्स, आपको एक लिस्ट चाहिए होती है. तो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर वर्ड्स फ्रॉम हियर, ठीक है, ये सब करो. फिर उसके बाद नीचे कॉमेंट्स में मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रही हूँ, जो कि एक क्विज़ का लिंक है. आप देखो कि आपको कितना समझ में आया लेक्चर, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करो, ठीक है. और अगर कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.